नमस्ते दोस्तों, मैं इस वक्त चाइना में हूँ और जियांगमैन प्रोविंस है ये जहाँ मैं खड़ा हूँ। यहाँ का पेट्रोल पंप है ये जिसका मैं आपको सीन दिखा रहा हूँ और रेट बता रहा हूँ। ये देखिए 7.68 आरएमबी जो कि 81.40 रुपये होता है इंडिया के रेट के हिसाब से है पेट्रोल का प्राइस, और 7.31 आ रहा है डीजल का रेट जो कि 77.50 रुपये के करीब आ रहा है। दोस्तों मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जो हम इंडिया में कह रहे हैं कि पेट्रोल का दाम बहुत बढ़ गया है और हमारी सरकार हमें चूना लगा रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम लोग मोदी सरकार के हाथ में बिल्कुल सेफ हैं। ये सरकार आपसे पैसा ले रही है, पेट्रोल के अंदर हर सरकार पैसा कमाती है। आज चाइना का रेट भी वही है जो इंडिया का है। ये पूरी दुनिया को चलाने का, अर्थव्यवस्था चलाने का यही एक तरीका है कि टैक्स कलेक्शन का सोर्स अल्कोहल, टोबैको और फ्यूल रहते हैं हर कंट्री के। जब चाइना का रेट 81 रुपये है और इंडिया का रेट 81 रुपये है, तो इसका मतलब हमारी सरकार की नीयत में या नीति में कोई खोट नहीं है। ये सरकार कोई आपकी पहले वाली सरकारों की तरह यहाँ से पैसे लूट कर विदेशों में स्विस बैंकों में जमा करने वाली नहीं है। कोई इनका इटली में कोई परिवार नहीं है, कोई ऐसा हिंदुस्तान में इनका कोई जवाई नहीं है जिसको इन्होंने सपोर्ट करना है, और कोई ऐसा गुड फॉर नथिंग बेटा नहीं है जिसको इनको बार बार लॉन्च करने के लिए पैसे चाहिए। ये तो एक सीधा साधा 16 घंटे 18 घंटे काम करने वाला आदमी है जो आपसे लिया हुआ पैसा आपकी देश की तरक्की के लिए ही इस्तेमाल कर रहा है। जगह जगह हाईवेज बन रहे हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रो कर रहा है। अपनी सरकार पर विश्वास रखिए, हमारा देश नरेंद्र मोदी के हाथों बिल्कुल सेफ है और हम बिल्कुल सही राह पर चल रहे हैं। आप लोगों की बातों में आकर, इनके फुसलाए में आकर मत आइए और अपने प्रधानमंत्री को सपोर्ट करें। धन्यवाद।